जयपुर से कोरोना से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं। सबसे बड़ी खबर स्वराज एक्सप्रेस पर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कोरोना की पहली मरीज सामने आई। 18 मार्च को लिया गया था ब्लड सैंपल जो पॉजिटिव पाया गया है। पीड़िता को एम्स में भर्ती कराया है। लंदन से वापस लौटा था ये पूरा परिवार, परिवार के अन्य सदस्यों का भी को भी आइसोलेशन में इनको रखा गया है, आइसोलेट कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, तो इस वक्त की बड़ी खबर पूरा परिवार। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लंदन से ये पूरा परिवार लौटा था। सुप्रिया पांडे जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। तो सुप्रिया, आशंका जाहिर की जा रही थी, इससे पहले भी हमने चर्चा की थी और यही आशंका जाहिर की गई थी कि रिपोर्ट आने तक इंतजार किया जाएगा, लेकिन सस्पेक्टेड है, तो आशंका भी सच साबित हुई, पहला कोरोना का मरीज रायपुर से मिला है। जी बिल्कुल, कोरोना से ये जो जुड़ी खबर है वो इस वक्त रायपुर से सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अब तक एक भी मरीज जो है वो कोरोना से संक्रमित नहीं पाया गया था, लेकिन आज जो है उसकी पुष्टि हो गई है। 18 मार्च को मरीज का ब्लड सैंपल लिया गया था जो 18 को पॉजिटिव आ गया है। इसकी जो पुष्टि है वो देर रात तक हुई है, इस वजह से इस बात की जो पुष्टि है वो लेट हुई है। वैसे डॉक्टरों को इस बात की खबर थी, इस वजह से जो है मुख्यमंत्री के द्वारा भी इस बार जो है आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक जो है वो आयोजित की गई है, क्योंकि रायपुर में ऐसा पहला मामला है। बड़ी चुनौती क्योंकि बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम है जिनको स्थगित कर दिया गया है, और साथ ही केंद्र सरकार की एडवाइजरी को भी फॉलो हर स्टेट की सरकारें कर रही हैं। अब जिस तरह से ये जो पहला मरीज कोरोना का जो पॉजिटिव पाया गया है, पूरे परिवार को सस्पेक्टेड देखते हुए आइसोलेट कर दिया गया, आइसोलेशन वार्ड में ये हॉस्पिटलाइज है, तो अब किस तरह के और एहतियातन कदम बढ़ाए जा रहे हैं और इलाज को लेकर अब क्या और ज्यादा जो सुविधाएं हैं वो दी जा रही हैं। सुप्रिया जी बिल्कुल, इलाज को लेकर के तो स्वास्थ्य विभाग ये दावे करता हुआ नजर आता है कि जो कोरोना से अगर संक्रमित मरीज भी पाया जाएगा तो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ऐसी सुविधाएं हैं जिनसे उसे ठीक किया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि एकमात्र एम्स हॉस्पिटल ऐसा है जहां पर कोरोना से जो संक्रमित जो मरीज है उनकी ब्लड जांच की जाती है। उसके अलावा यहां पर रायपुर में किसी भी हॉस्पिटल में ब्लड जांच की जो सुविधा है कोरोना से संक्रमित मरीजों की वो नहीं है, तो एकमात्र एम्स हॉस्पिटल की ही निर्भर जो है वो राजधानी हो जाएगा। और साथ ही अगर कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती है तो स्वास्थ्य विभाग जो है उनके द्वारा भी काफी एहतियात जो है वो बढ़ती जाएगी। पूरे विश्व में इसको महामारी घोषित कर दिया गया है और बेहद ही अगर हम बात करें तो जो कंडीशन इस वक्त बताई जाती है पूरे विश्व की वो वाकई में भयावह है। सुप्रिया, बड़ा सवाल ये है कि इससे पहले भी हम चर्चा कर रहे थे, चर्चा इस बात को लेकर भी थी कि जो शहरी क्षेत्र है वहां पे तो एहतियातन लोग सैनिटाइजर और मास्क वगैरह तमाम चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सुदूर वनांचल क्षेत्र है जहाँ के लोगों को पता ही नहीं है कि कोरोना क्या है, जो मच्छर से बचाव नहीं कर पाते हैं अपना, वो कोरोना के बारे में क्या जान पाएंगे जिनको मलेरिया की जानकारी नहीं है, तो ऐसे क्षेत्रों में किस तरह से स्वास्थ्य विभाग, राज्य सरकार और जिला प्रशासन किस तरह से सहयोग कर रहा है, किस तरह से लोगों को अलर्ट कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो अलर्ट है वो कम है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों को इस बारे में जानकारी नहीं है, शिक्षित नहीं होते ग्रामीण क्षेत्रों के जो नागरिक है वो, इस वजह से उन्हें इस बात की जो जानकारी है वो नहीं होती है, और इस वजह से उन्हें एहतियात बरतने को लेकर के सभी प्रकार के जो निर्देश है वो गंभीरता से और साथ ही विस्तार से दिए जाने चाहिए, क्योंकि उन्हें इसी पर बात की समझ नहीं होती है, तो ये भी नहीं। चलिए ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स आपसे आगे भी लेंगे। बहरहाल अब तक की आपकी जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से पहला कोरोना का जो मरीज है वो सामने आया है। लंदन से ये पूरा परिवार लौटा हुआ था और इस पूरे परिवार को आइसोलेशन वार्ड में आपको बता दें कि शिफ्ट कर दिया गया है।